Happy birthday to you. Oh my god. अच्छा लेकिन साल इतना केक खाते हैं हर बर्थडे में इतनी मजा ले चेहरा चमकने पवन जी देखिए एक इतना आपका बर्थडे जबरदस्त है कि ये थारी जी मनोज को तभी दी चेरी दीजिए चेरी ये बहुत बड़ा है इतना चाहिए उतना ही लीजिए थैंक यू हां पवन जी हैप्पी बर्थडे आइए 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 आज के बर्थडे में भी खास रहा सेलिब्रिटी के साथ पकड़ो इसको ये फोल्ड हो गया बुलाइए उसको ये दिक्कत कर रहा है काम ही नहीं कर रहा है तरीका है सब सर बहुत बहुत बधाई आपकी फिल्म आ रही है बाजी किस चीज पर बेस्ड है किससे सवाल कर रहे हैं राकेश जी से मुझसे आपसे जी बताएं बेस्ड किस चीज पर है अक्सर बहुत देखा जाता है कि वाइट में लीजिए ना कपूर एक मिस्ट्रेस के पापा होते हैं फिर हीरो पर आपत्ति जताते हैं बेस्ड क्या है मैडम कुछ कहेंगे आपने हाल में कोई फिल्म देखी नहीं नहीं देखी पर आपको कहने का ये कोई हक नहीं बनता पूरे भोजपुरी का इतिहास बनाकर आपने गलती किया है नहीं बहुत कम अनुभव है और बहुत पसंद किया है हाँ ये पूछते हैं ये अच्छी बात थैंक यू सब्जेक्ट लव स्टोरी है इंटेंस लव स्टोरी है एक्शन के साथ है ठीक है और कुछ भी नया नहीं है फिल्म में अगर मैं कहूँ कि मैं कुछ अलग से कुछ फिल्म बना रहा हूँ वही कहानी है जो हमने देखी है बचपन से सुनी है पर हम अलग ढंग से कह रहे हैं उस बात को और आप देखेंगे तो आपको लगेगा कि हम एक मतलब जानी समझी कहानी जिससे आप हम सब रूबरू हैं उसको एक नए अंदाज में नए ढंग से कह रहे हैं हम एक एंटरटेनमेंट फिल्म बना रहे हैं हमारा मकसद किसी को उपदेश देना सिखाना नहीं है हमारा मकसद है आपको एंटरटेन करना लगातार भोजपुरी इंडस्ट्री पे अश्लीलता का भी आरोप लग रहा है इससे कितने बचे हैं आप संजय जी सबकी अपनी अपनी सोच है सबके अपने तरीके हैं देखने वाले हैं तो बनाने वाले भी हैं बनाने वाले हैं तो देखने वाले हैं हम लोग नहीं आते उस खाके में कहीं बोल रहे हैं सब हाल ही में भोजपुरी इंडस्ट्री के जाने माने एक्टर खेसारी लाल यादव ने सोशल मीडिया पर ये आकर ये इंडस्ट्री का भोजपुरी इंडस्ट्री का दूसरा सुशांत सिंह राजपूत बनने जा रहा हूँ नो कमेंट हमारा एक सवाल है आपका एक अक्षरा जी से अक्षरा जी आपका एक गाना अभी कुछ दिन पहले राकेश मिश्रा जी के साथ रिलीज हुआ था बलमुआ कुछ करके जो कि संस्कृति मैरिज गार्डन पे एक शूट हुआ था राइट जो कि रात का शूट था उस गाने पे लगा जब वो रिलीज हुआ उसके कुछ ही देर बाद हीरोइन की भूमिका निभा रही हूँ इस फिल्म में और उम्मीद करती हूँ कि ये फिल्म अच्छी जाए अच्छी शुभकामनाओं के साथ शुरुआत करते हैं हम सब जो टारगेट ऑडियंस रहेगा वो किसे माने चल रही है टारगेटेड ऑडियंस कोई एक नहीं ये हिस्सा हम नहीं बांट सकते हम सबों के लिए बना रहे हैं ये फिल्म तो हम चाहेंगे कि सब इस फिल्म से जुड़े और सब कोई इस फिल्म को अप्रिशिएट करे देखे और थोड़ा सा वो तो है बाजी फिल्म पहले भी है इंडस्ट्री में काफी बन चुकी है जहाँ तक मुझे है कि एक से ज्यादा बनी दो फिल्म बनी है एक गुरु दत्त साहब की एक आमिर खान एक इंसिडेंट हुआ है ये रीमेक है क्या नहीं सर ऐसा कुछ नहीं है आज एक इंसिडेंट हुआ हम लोग डीएफ कंपनी से तीन फिल्म से एक गीत अक्षरा जी और राकेश मिश्रा
भाषा हमारी मातृभाषा है, हमारी माँ है, उस भाषा से प्रेम करते हैं। अब इसके विषय में आप एक कैटेगरी सोचिए, क्योंकि आप अपनी समय नहीं दे रहे हैं, इसलिए आप कुछ भी कुछ दे रहे हैं। आप पहले हमारे गाने और हमारे फिल्मों पे अपना समय देना शुरू कीजिए, दो महीने बाद आपका सवाल बदल जाएगा। सर मैं बोला तो कि 1.5 साल में फिल्म देखते हैं कि नहीं, मैं 4-10 फिल्मों का नाम गिनवाऊंगा, अभी जाके फिल्म देखिए, आपको मजा आ जाएगा फिल्म देखने। क्या कहीं कहीं आप अपने फिल्म को हर तरह से, हमारी फिल्म नहीं, हमारी पूरी भोजपुरी भाषा की मेहनत चालू हो चुकी है कि जो दाग हम पे लगा हुआ है हम धीरे धीरे ही सही उसको कहीं ना कहीं हटा रहे हैं। हम बोले ना कि जिस भाषा में गाना 5,000 में शूट होता था, उस भोजपुरी भाषा का गाना अक्षरा जी ने एक दिन में 1,00,000 का बना दिया। आज देख लीजिए हर सिंगर में कंपटीशन लगा है कि एक एक वीडियो ऐसा बन रहा है जैसे लग रहा है कि मतलब हम हिंदी का गाना देख, अब इससे ज्यादा क्या बोल। धन्यवाद। मैं आपको एश्योर कर रहा हूँ कि हमारे फिल्म पूरी परिवार आपकी देख सकती है, सबकी परिवार देखेगी, हम लोगों का ही परिवार है, तो सबको देखने के लिए फिल्म बना रहे हैं। हमारा फिल्म कोई पर्टिकुलर नहीं है, किसी के लिए नहीं। अच्छा लास्ट क्वेश्चन अक्षरा जी, मैं पूछना चाहूँ जिस तरह हर एक राज्य में फिल्मों के लेकर लगातार सरकार जो है बढ़ावा दे रही है, बिहार में ऐसा क्यों नहीं हो रहा, कुछ मांग होगी आपकी? हमारा माइनस और इसी चीज़ के लिए मैं हमेशा से सरकार से या अपने मीडिया कर्मी के जरिए यही कहना चाहती हूँ और कहती रही कि हमारी बिहार सरकार को इस मुद्दे पे ज़रूर गौर करना चाहिए। भोजपुरी को, भोजपुरी भाषा को, भोजपुरी फिल्मों को किसी ने कोई मदद नहीं किया है। आज भोजपुरी ने अपने आप अपना वजूद बनाया है, कायम किया है, और मुझे लगता है कि अब हमें गर्व करना चाहिए इस चीज़ पे और हमारी सरकार को इस मुद्दे पर। कल सदन में तेजस्वी जी एक बात बोले हैं, आपको पता है? आप लोग एक बात बोले हैं, मैंने सुना कल, उन्होंने एक शूटिंग की चर्चा की है, शूटिंग की चर्चा की है, क्या ये सच है? हमने जो सुना उन्होंने शूटिंग का चर्चा किया है कि बिहार में स्थलों पे शूटिंग करने के लिए चाहे इसको बढ़ावा क्यों नहीं दिया जा रहा है। आपको पता है सबसे मजेदार बात, जिस चीज को आप नहीं बढ़ावा दे रहे हैं, जिस भाषा, जो भाषा यहाँ बोला जाता है, सॉरी अगर किसी को बुरा लगे तो, जो भाषा हमारे आरा छपरा बलिया ये जितने भी जगह बोला जाता है बिहार में भोजपुरी भाषा, उस भाषा के प्रति प्रायोरिटी यहाँ नहीं दी जा रही है। लेकिन उसी भाषा का शूटिंग अगर दूसरे किसी राज्य में हो रहा है तो होटल लगातार बुक है, वहाँ के गरीब लगातार बुक है, वो जाकर सेव संतरा जूस खूब बेचाते हुए हमने यहाँ ठेला पर अपन रहते हैं। कैसे कि जहाँ बिजनेस करे तो बहुत सुविधा नहीं है, अगर यहाँ कलाकार आ गए तो 5 गो मतलब पीछे से सिक्योरिटी मिले में भी दिक्कत हो जाए। ऐसा लोगों का बाहर मानना है कि भाई बिहार शूटिंग कर रही है तो पता चले कि सेटे पर हंगामा हो गई, शूटिंगें ना हुई। तो हम लोग बातें तो अपनी रख रहे हैं, बट हो सकता है कि हमारे अंदर भी कुछ प्रॉब्लम हो कि हम लोग शायद एक साथ हो कि एक दिन हम बैठ नहीं रहे हैं, चाहे खुद हमारे चाचा जी भी सरकार में है विनय बिहारी जी या मुख्यमंत्री जी है या जो भी है। हमारी एक रिक्वेस्ट है, इन्होंने भी बहुत प्रयास किया है, चाचा ने भी, और हम लोग हमेशा इनसे ही बोलते हैं कि आप हमारी भाषा जो यहाँ की है एक बार यहाँ पे भी तो इसको मिजाज दीजिए, इसको माहौल दीजिए, एक बार काम तो करके देखें। किसको शौक है बिहार छोड़ के जाने का भाई? किसी को नहीं, मुझे तो नहीं लगता है। आप लोग दबाव तो कुछ बनाना चाहिए, आपकी इंडस्ट्री को दबाव बनाना चाहिए सरकार के ऊपर। हम रिक्वेस्ट कर सकते हैं, हम रिक्वेस्ट कर सकते हैं। विनय बिहारी जी आप सरकार में हैं, पिछली बार भी आप युवा कला संस्कृति मंत्री थे जीतन राम जी के समय, और अभी भी आप सरकार में हैं, तो क्या कुछ खास इसको लेकर के विधानसभा में कोई बातें आपके द्वारा नहीं उठाई जाती है? इस अभी के सत्र के भी बात कर ली जाए तो क्या कुछ आप लोग तो इस इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं, तो इसको लेकर के क्या कुछ खास प्रोजेक्ट तैयार किए हैं जो सरकार के समक्ष रखकर उसे पास कराने की आप काम करेंगे? पहले तो आप एक साथ 20 को सवाल करेगा तो उत्तर हमसे नहीं मिला, हमसे एक सवाल पर, और आप एक सवाल का उत्तर देता हूँ कि जिस समय मैं कला संस्कृति मंत्री था उस समय एक स्टेडियम और फिल्म इंडस्ट्री के लिए स्टूडियो स्वीकृत है, भूमि का कारोबार हो गया है, बाउंड्री वाल भी बन गए, आप जाके राजगीर देख सकते हैं, और इस साल के बजट में वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर का स्टेडियम और स्टूडियो दोनों बजट में है, और सरकार इस साल ये दोनों काम कर लेगी। है उस टाइम एक लिमिट होता था, आप जो बोल रहे हैं सही है, आज लिमिट क्रॉस हो गया। आज स्पेशली इसलिए गाए जा रहे हैं कि हम गाएंगे तो शाम को ये बाबू साहब हैं तो ये 2 घंटा में सुन लेंगे तो हम 2 मिलियन वाले स्टार। ये जातिगत गाना इसलिए गवा रहा है कि मतलब हमारे या तो हमको अपने हारमोनियम पे भरोसा नहीं है या हमारे मेहनत किए हुए गायकी पे भरोसा नहीं है,
आपके आशीर्वाद से राकेश मिश्रा ने अभी तक टच नहीं किया इस मामले में, और ना ही आगे करूंगा, क्योंकि आपके आशीर्वाद से और सबके आशीर्वाद से बहरिया भितरिया सही गर्दा किले में काजल रहते ना हम तीन लोगों के। क्या लगता है आप इस बात को मानते हैं कि कहीं ना कहीं जातिगत विशेष समूह को लेकर गाना गाने से और जातिगत विशेष समूह वाले लोग थोड़ा डिमोरलाइज अपने आप को महसूस करते हैं? मैं सिर्फ एक बात को मानता हूँ, इस दुनिया में आपको ही पता है तीन चीजें ऐसी हैं, पहला ग्रंथ, दूसरा संगीत और तीसरा प्यार। इन तीनों का कभी भी कोई सीमा नहीं रखा गया है। गॉड का कभी सीमा नहीं है भैया, संगीत का कभी सीमा नहीं है। संगीत ही एक ऐसी चीज थी कि जिसके साथ हम जीवन भर लड़े हैं, वहां से भी सिंगर आके गाते थे, आपको पता है ना, मैं ऐसे ही बोल रहा हूँ। तो संगीत का कभी कोई बंधन नहीं था, सीमा नहीं था। लेकिन अगर गाने बजाने को भी, जिस संगीत को आप पवित्र कह रहे हैं, अगर उसको भी आप जातिगत लेवल पे यूज कर रहे हैं, आप अपनी अपनी फ्रस्ट्रेशन निकालने के लिए यूज कर रहे हैं, तो नॉट गुड, आने वाले भविष्य नॉट गुड। क्योंकि अभी आपको मजा आ रहा है, मैं भी बोल रहा हूँ अभी आपको मजा आ रहा है, लेकिन सर थोड़ा ध्यान दीजिए कि अगर दो ढाई साल बाद जो ये हो गया कि ये हमारे हैं, ये हमारे हमारे, तो जिस संगीत को आप कर्ण पिए के लिए सुनते हैं, आप अपने एंजॉय के लिए सुनते हैं, आप अपने भाषण में डीजे बजाते हैं, वो संगीत तो कल आपके लिए दिक्कत हो गया है, क्योंकि उनका उनका गाना आ रहा है तो ये नीचे गाली लिख रहे हैं। मैं क्लियर बोल रहा हूँ, और उनका गाना आ रहा है तो ये नीचे गाली लिख रहे हैं। तो आजकल तो ये हो गया कि गाना रिलीज हो, नीचे यूट्यूब पे गाली पढ़िए, दिक्कत है ना सर। Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update.